तेरा बेटा जो है इन कपड़ों में शहजादा लग रहा है, शहजादा। मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं है जो मैं उनका बोझ उठाता। फिर खाला, वो बच्चों का एक्सीडेंट हो गया है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं। अच्छा, आप दोनों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर्स आ गए हैं, दुआ बिल्कुल ठीक है। शानी, शानी, मेरी जान, हाँ? क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो? मैं तो ठीक हूँ बाबा, बस दुआ बाजी को चोट लगी है। दुआ बिल्कुल ठीक है, बस उसके सर पे मामूली सी चोट आई है, अल्लाह पाक बेहतर करेंगे। क्या हुआ, क्या था? बाबा, वो बाइक वाले ने टक्कर मारी थी। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई ना? हाँ? नहीं बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर दुआ वक्त पे सामने नहीं आती तो उस बाइक से उसको बहुत चोटें लग सकती थी। खुदा ना करे, खुदा को मेरे शानी की जिंदगी मंजूर थी। अपनी हमदर्दी अपने पास ही रखो। खुशी होगा मेरे बेटे को। जाओ यहां से, ले जाऊंगा मैं अपने बच्चों को। चलो बेटा, घर चलते हैं। अच्छा बाबा, दुआ आप ही को तो ले लें। कहाँ है वो? अंदर। रुको, मैं आता हूं। क्या ज्यादा चोट तो नहीं आई? बच्चों को आप ही घर ड्रॉप कर देते फरमान। जब सईद भाई हॉस्पिटल आए थे, तमीज से बात करी उन्होंने आपसे। अच्छा किया आपने, अल्लाह ताला उन बच्चों को अपने हिफ्ज व अमान में रखे। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ अम्मी, सब खैरियत तो है? हाँ, वो बच्चे स्कूल से वापस आ रहे थे तो दुआ को चोट लग गई। कब और कैसी है वो? ठीक है, इतनी ज्यादा चोट नहीं आई। आपको किसने बताया? बाबा, काम के लिए इत्तेफाक से उसी वक्त निकले थे तो उनकी नजर पड़ गई, वही हॉस्पिटल लेके गए फिर। चलो तुम परेशान नहीं हो, बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। मुझे देखने जाना चाहिए उसको। बस नहीं बेटा, थोड़ा सा और पी लो, दर्द कम हो जाएगा। अल्लाह ने करम किया है मेरे शहजादे पर, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि मेरे बेटे को चोट नहीं आई। 100 बार कहा है बेटा तुम्हें कि शरारते मत किया कर। बाबा, मैंने तो कुछ नहीं किया था, उस बाइक वाले ने हमें टक्कर मारी थी। बुआ ने तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा हुआ था? तुम्हारा बेटा है इतना फुर्तीला, हाथ छुड़ा के भाग गया होगा। रास्ते में ही बंदर का तमाशा देखने लग गए थे। ये तो बच्चे हैं सिला और शानी, ये तो बड़ी है दुआ, इसे तो अकल होनी चाहिए कि छुट्टी के बाद सीधा बच्चों को घर ले आती। दुआ भी तो बच्ची है, इन्होंने जिद की होगी, वो रुक गई। ये तो अच्छा हुआ कि फरमान ने देख लिया। इसे तो मौका चाहिए हमदर्दी हासिल करने का। बंदा अगर एहसानमंद नहीं हो सकता ना, तो एहसान फरामोश तो ना हो। बस बेटा अपना ख्याल रखा करो बेटा, बाबा की जान हो तुम, तो कुछ हो गया तो बाबा कहाँ जाएंगे हा? का बाजू होता। हाँ शहजाद, ये खाना ये कहाँ चला गया? यकीनन ये दुआ की तरफ गया है, ना करे सईद भाई वाना। अम्मा, ख्याल रखिएगा शानी का, डर गया है वो। अगर दुआ के सर पर हाथ रख देता तो
क्या जाता था, इतनी तकलीफ में है वो बेचारी। उसकी लापरवाही की वजह से हुआ है सब कुछ अम्मा। सईद देखता हूं। हाँ भाई। अस्सलाम वालेकुम। किधर आए हो? दुआ और शानी कैसे हैं? पापा बता रहे थे कि उनका एक्सीडेंट हुआ है। एक तो तुम लोग हमदर्दियां हासिल करने का मौका हाथ से जाने नहीं देते। अब आए गए हो तो मिल लो, लेकिन जल्दी चलते बन्ना। जाओ। ज्यादा दर्द हो रहा है? हाँ, हो रहा है। वैसे मुझे लगता था तुम बहुत बहादुर हो। बहादुर बच्चों को दर्द नहीं होती। शहजाद, मुझे चोट लगी है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। शहजाद भाई, दुआ भी बहुत बहादुर है। इन्हीं ने तो शानी को बचाया। अगर दुआ भी सामने ना आती तो बाइक वाला से टक्कर मार के चला जाता। वैसे अभी भी सब यही कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ है। तुम भी यही कहते हो? मैं ऐसा नहीं कहता। मुझे पता है तुम बहुत अच्छी हो, सबका ख्याल रखती हो। शहजाद बिल्कुल ठीक कह रहा है, बहुत बहादुर है हमारी दुआ। दादो, मैं भी बहुत बहादुर हूँ ना। हाँ हाँ, मेरा बच्चा तो बहुत बहादुर है। इसलिए तुम मेरा हाथ छुड़वाकर भाग गए। खुद तो तुम्हें चोट नहीं आई, मुझे तुमने दो दो चोटें दे दी। बस कर दो दुआ, कोई इतनी बड़ी चोट नहीं है, एक दो दिन में ठीक हो जाएगी। वालेकुम सलाम। हाँ हाँ, बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। हाँ, सब खैरियत है। अरे मैं तो खाने का बिल्कुल भूल ही गई थी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं उसको यहाँ खाना खिला के फिर भेजूंगी। अच्छा, खुदा हाफिज। माँ को बता के नहीं आए थे तुम? दादो, मैंने सोचा कि दुआ से मिलकर आ जाऊंगा। ठीक है, तुम बैठो, खाना खा के जाना, मैं यहीं लेकर आती हूँ। नहीं दादो, अम्मी इंतजार कर रही होंगी, वैसी देर हो चुकी है। मैं चलता हूँ, और जब मैं दोबारा आऊँ तो तुम्हारी बीमार वाली शक्ल ना देखूँ। सुना तुमने? शहजाद भाई, इसकी तो शक्ल ही ऐसी है। तुमसे तो बहुत ही अच्छी है। अच्छा दादो, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़। अच्छा बेटा। बड़ी बहन से नहीं लड़ते शानी, देखा तुम्हारी वजह से चोट लग गई उसे। आप किसको समझा रही हैं दादो? अब्बा का लाडला है ये, इसे तो किसी की चोट नहीं नजर आएगी। यार अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया, शानी को कुछ नहीं हुआ। ये तो जान ही निकल गई थी जब फोन आया था मेरे पास। भाई जान, मैंने आपसे कहा भी था बच्चों को स्कूल से मैं ले आऊंगा। अब आप खुद सोचे हमारी दुआ कितनी छोटी है। वो बेचारी सिला और शानी को कैसे संभालती, काबू में नहीं आते उसके वो। यार सोचने तो मैं भी लगा हूं, मैं दुआ के बस की बात नहीं है, बहुत ही लापरवाह है वो। अब मैं अम्मा से ही कहूंगा, वो ही ले आया करेंगी। अम्मा को तकलीफ क्यों देते हैं, मैं किस लिए हूं? मैं ले आऊंगा ना बच्चों को स्कूल से। तुझे जब घर खाने के लिए भेजता हूँ ना तो मेरे लिए दुकान संभालना मुश्किल हो जाता है यार। ठीक है भाई, जैसे आपकी मर्जी। मैं तो आपसे ये कह रहा था कि दुआ के स्कूल जाने से अम्मा का काम बढ़ गया है। अगर अब वो बच्चों को स्कूल से लेकर आएंगी तो बीमार नहीं पड़ जाएंगी। और आजकल का ट्रैफिक नहीं देखा आपने, कितना खतरनाक ट्रैफिक हो चुका है। ये बच्चे अम्मा के काबू नहीं आएंगे। देखे भाईजान, दुआ के घर पे रहने से अम्मा को बहुत सहूलत है। हमारी दुआ कितनी समझदार है, सारे घर को अकेले संभाल लेती है। अगर वो घर पे रहेगी तो अम्मा का ज्यादा फायदा है। बस यार अम्मा की इज्जत थी, मैं खुद नहीं चाहता था कि दुआ स्कूल जाए, घर में रहकर दादी का उसे हाथ बटाना चाहिए था। तुझे तो पता है ना कि अम्मा जो है अपनी बात मनवा कर रहती है। ना, ऐसा नहीं है। ये ख्वाहिश अम्मा जी की नहीं है, ये ख्वाहिश उन लोगों की है जो आपके हमदर्द बने फिरते हैं। ये कह रहे हो, सारी पट्टियां जो है ना अम्मा को असमत ही बढ़ाती है। न जाने कब इन लोगों से जान छूटेगी हमारी। यार भाई जान, मैं आपको अपना बड़ा भाई समझता हूँ।
दिल में जो बात आती है कह देता हूँ, बाकी आपको जो सही लगे। ये देख रहा है नाराज है मुझसे? नहीं, लेकिन अगर बता कर जाते तो मुझे अच्छा लगता। मम्मी आपने तो मना किया था, मैं फिर से पूछता आप फिर मना कर देती। शहजाद, मैंने तुम्हें वहां बिला वजह जाने से मना किया। आज अगर तुम मुझे बता कर जाते तो मैं कुछ पैसे ही दे देती, उसके लिए फल वगैरह ले जाते। सॉरी मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अरे मेरा शेर बेटा, बड़ी अय्याशी हो रही है, दादी ने मंगवा कर दिए? नहीं, शहजाद भाई लाए थे। चलो। जल्दी आ गए आज? इसलिए जल्दी आ गया कि घर में किसी चीज की जरूरत ना हो, पर यहां तो मेरी गैर मौजूदगी में जरूरतें पूरी करने वाले बहुत हैं। चाय पियोगे या खाना गर्म करूं? बात बदल दें बस मेरी। क्यों लिया आपने शहजाद से ये फल फ्रूट? मेरे बच्चों को किसी चीज की कमी नहीं है, मैं भी इनके लिए फल फ्रूट लाया हूं, बाहर किचन में पड़े हुए। बैठ के खाओ बेटा। सईद बेटा, अगर दो लफ्ज हमदर्दी के बोल लेते तो तुम्हारा क्या जाता था? ठीक तो है वो, अब क्या मैं उसके सराहने से लगके बैठ जाऊं? क्यों करते हो तुम उससे इतनी नफरत? अच्छी तरह जानती हो तो अम्मा के मैं उससे इतनी क्यों नफरत करता हूं। अपनी मां के मरने पर जो उसने सबके सामने मेरी इज्जत का तमाशा बनाया था, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। देखो बेटा, तब वो छोटी थी, ना समझती। कैसे चीख चीख कर बोल रही थी कि मैंने उसकी मां को मारा, मैं हूं उसकी मां का कातिल। आज भी वो दिन मुझे याद आता है ना तो जी चाहता है कि जान ले लूं उसकी। बेटा, उसने तो वही कुछ बोलना था ना जो उसके मासूम जहन में आया। ना मां ना, ये सारी बातें फरमान और असमत ने इसके जहन में डाली थी। अच्छा चलो, एक लम्हे को हम मान भी लेते हैं कि असमत और फरमान ने ये बातें उसके जहन में डाली हैं, मगर तुम तो अपने प्यार से उसका जहन बदल सकते हो ना। जितनी मोहब्बत तुम शानी के साथ करते हो, जितना प्यार उसे देते हो, अगर वो प्यार अपनी बेटियों को दो ना तो अल्लाह तुमसे राजी होगा। अल्लाह राजी है मुझसे अम्मा, और मैं जो कुछ भी कर सकता हूं ना अपने बच्चों के लिए वो मैं कर रहा हूं। आइंदा फरमान के घर से कोई भी चीज आएगी ना, वो वापस कर देनी है तुम्हें। मेरे बच्चों को किसी चीज की कमी नहीं है। अहम चीजें नहीं होती सईद, अहम प्यार होता है जो तुम्हारी बच्चियों को नहीं मिल रहा तुमसे। दुआ जी। बेटा मैंने टिफिन बना दिया, अमजद आएगा तो उसको दे देना। जी। वैसे दादा, आपने यूं ही मेरी छुट्टी करा दी, पहले ही मैं बहुत पीछे हूँ क्लास में। अरे मेरी बेटी तो सबसे आगे जाएगी, जख्म ठीक हो जाएगा ना तो चली जाना। दादा बस कल से मैंने जरूर जाना है, आप मुझे नहीं रोक सकती। अच्छा अच्छा, देखेंगे। आ, दरवाजा बंद कर लो। जी। आजा मेरा बेटा। आ गई। अस्सलाम वालेकुम अमजद चाचा। वालेकुम अस्सलाम दुआ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ,
वो मैं टिफिन लेकर आती। अच्छा अम्मा जी कहाँ पर हैं? वो सिला और शानी को लेने गए। अच्छा अब दुआ ये आपके चोट कैसे लगी? ज्यादा गहरी तो नहीं थी ना? नहीं अमजद चाचा, कल तो इस पे दर्द हो रहा था, और ज्यादा दर्द नहीं हो रहा। अच्छा दुआ मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र थी, बस यही डर था कि चोट ज्यादा ना लगी हो। ये पता ही नहीं था कि तुम आज स्कूल नहीं गई हो, वरना तुम्हारे लिए चॉकलेट जरूर लेकर आता। कोई बात नहीं अमजद चाचा। दुआ तुम्हें कुछ भी चाहिए हो ना तो मुझे बोलो। देखो मैं जानता हूँ कि सईद भाई को अपने बेटे शानी के अलावा किसी और की फिक्र नहीं है, तुम्हारी भी नहीं। हालांकि तुम कितनी प्यारी हो, छोटी सी प्यारी सी चिड़िया जैसी। मेरा तो दिल करता है कि तुम्हारे साथ बैठूं, बातें करूं और बस तुम्हें ही देखता रहूं। अच्छा मैं टिफिन लेकर आती हूँ। हाँ शानी आराम से चलो, साथ से चलो इधर। अब वो आ रही है दादो। अस्सलाम वालेकुम दादो। वालेकुम सलाम बेटा। आज दुआ क्यों नहीं आई स्कूल? बेटा उसको जरा सी चोट लग गई थी। तुम उसकी क्लास में पढ़ती हो? जी दादो, ये दुआ आप की बहुत अच्छी दोस्त है। दुआ बहुत अच्छी है और मेरी दुआ से बहुत दोस्ती है। मेरा घर आपके घर के करीब है, मैं कभी आऊंगी दुआ से मिलने। हाँ हाँ बेटा जरूर आना। आओ बच्चों चले। चलो, चलो। वैसे तुम्हें मेरे घर का पता कैसे चला कि मैं कहाँ रहती हूँ? मैंने तुम्हें देखा था एक दिन स्कूल से वापसी में यहाँ आते हुए। वैसे तुम्हारी मम्मा कहाँ है? नहीं है। आएंगी तो उन्हें मेरा सलाम देना। वो नहीं आएंगी। क्यों? अल्लाह ताला के पास चली गई है। क्या हुआ था उन्हें? अब्बा को बेटा चाहिए था, उन्होंने डॉक्टर से कहा अगर मेरी अम्मी मर भी गई तो कोई बात नहीं, उनका बेटा तो बच जाएगा। तो अल्लाह ताला ने अम्मी को बुला लिया और अब्बा को बेटा दे दिया। तुम उन्हें मिस करती होगी ना? हाँ। तुम परेशान नहीं हो? अम्मी कहती हैं कि जो काम अल्लाह ताला की तरफ से होता है उसमें परेशान नहीं होते बल्कि सब्र रखते हैं। मुझे पता है मेरी अम्मी जहाँ भी होंगी बिल्कुल तकलीफ से आजाद होंगी, कोई तकलीफ नहीं होगी उन्हें, ना ही कोई तकलीफ देने वाला। कल तुम स्कूल आओगी? हाँ, जो मेरे सर पे चोट लगी थी ना उस पे ज्यादा दर्द नहीं हो रहा, तो फिर मैं जरूर स्कूल आऊंगी। और कल मैथ का टेस्ट है, तैयारी कर लोगी? ट्रिक टेस्ट? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है दुआ? मैं ठीक हूँ। दादो ये मैडम शाजी है, फायजा की अम्मी, और हमारी क्लास टीचर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दरवाजा खुला था इसलिए मैं टेरे के अंदर आ गई। कोई बात नहीं, चलें फायजा। अरे अब आई हो बेटा तो कुछ देर तो बैठो, चाय पी के जाना। एक्चुअली आंटी घर में बस ताला लगा के आई थी, मुझे एक जरूरी काम से जाना था तो सोचा फायजा को यहाँ छोड़ दूँ। ये भी जिद कर रही थी कब से कि दुआ की तबीयत पूछने जाना है। बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत अच्छी तरबियत की है। माशाल्लाह आपकी पोती भी बहुत काबिल है और क्लास की ज़हीन तरीन तालबा है। अच्छा दुआ मैं चलती हूँ। दादी आप दुआ को लेके हमारे घर जरूर आइएगा। हाँ हाँ बेटा जरूर, क्यों नहीं, जरूर आऊंगी। अच्छा अल्लाह हाफिज। अच्छा बेटा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा दुआ। दादो मेरा कल ना मैथ का टेस्ट है, मैं उसकी जाके तैयारी कर लूं। हाँ जाओ बेटा। अम्मा, ओ अम्मा,
अम्मा। ओहो, क्या हो गया है सईद, इतना क्यों चिल्ला रहा है? ये औरत जो भी हमारे गेट से बाहर निकली थी, कौन थी? साथ वाली गली में रहती है, दुआ के स्कूल की टीचर भी है और उसकी बेटी दुआ के साथ पढ़ती है। हमारे घर क्यों आई थी? कहा ना, बेटी साथ पढ़ती है, दुआ का पूछने आई थी। अच्छा, तो दुआ ने वहां दोस्तियां भी पाल ली है। अगर इंसान की जुबान में मिठास हो ना सईद, तो दोस्तियां खुद ब खुद हो जाती हैं। मुझे समझा दें कि ये दोस्तियां जो है ना, स्कूल के हद तक ही महदूद रखे ना। तो तुम क्या चाहते हो, कोई दरवाजे पर आए मैं उसके सामने दरवाजा बंद कर दूं? अम्मा, एक तो आप बहस करना शुरू कर देती हैं। कैसी चल रही है मेरी बेटी की पढ़ाई? दादो, कुछ भी नहीं याद हो रहा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कल टेस्ट है, मैं किस तरह दूंगी? ये तो टीचर को कह दो कि तुम बीमार हो गई थी। दादो, बहाने नहीं बनाने चाहिए। तो बहाना कब है बेटा, इसीलिए तो तुम स्कूल नहीं जा रही थी। दादो, मुझे इस टेस्ट में पास होने, किसी से पीछे नहीं रहना। फिर मुझे बताओ मैं क्या करूं? दादो, शहजाद को बुला दें। दादो, वो मैथ्स बहुत अच्छा कर लेता है, वो समझाएगा तो मैं यूं समझ जाऊंगी। अब हालो को फोन तो कर दें, वो भेज देंगे उसे। वो तो जरूर भेज देगी, मगर तुम्हारे बाप को कौन समझाएगा? अच्छा छोड़। थैंक यू दादू। अब तो तैयारी हो जाएगी। हेलो। हाँ, वालेकुम सलाम असमत। बेटा, शहजाद है घर पर? मुझे मालूम है ये मुनासिब वक्त तो नहीं है, लेकिन क्या करें, दुआ का कल इम्तिहान है और बहुत परेशान हो रही है। अगर तुम शहजाद को ज़रा देर के लिए भेज दो तो वो उसे आके पढ़ा देगा। जी ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। किसका फ़ोन था? खाला का। सब खैरियत? जी, वो कह रही थी कि शहजाद को ज़रा उनके घर थोड़ी देर के लिए भेज दूँ। इस वक्त? वो असल में दुआ का कोई टेस्ट है, तो उन्होंने कहा अगर शहजाद चला जाएगा तो पढ़ने में उसकी मदद कर देगा। मतलब सारा दिन गुजार के उनको अब याद आ रहा है। सईद भी इस वक्त घर पे होगा। बाबा, दुआ को देर से पता चला होगा। नहीं बेटा, देखो मुझे पसंद नहीं है कि सईद की मौजूदगी में तुम उसके घर जाओ। उसका दिमाग घूमते हुए देर नहीं लगती। बाबा, दुआ को मेरी जरूरत है, मैं नहीं जाऊंगा तो वो क्या सोचेगी? इतना इंहसार करता है उसके ऊपर। शहजाद, बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं खाला को फोन करके माजरत कर लेता। अम्मी प्लीज, मैंने दुआ से प्रॉमिस किया था, पढ़ाई से रिलेटेड उसको जो भी मुश्किलात होंगी मैं उसकी मदद करूंगा। बाबा प्लीज जाने दें। अच्छा ठीक है, फिर जल्दी जाओ, और जल्दी आओ, देर नहीं करना। थैंक यू बाबा। फरमान, आप रोकते तो वो रुक जाता। हाँ मुझे पता है वो रुक जाता, मगर मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। बिलावजह मैं सोचेगा कि मेरे फादर ने मुझे अच्छे काम के लिए रोका, इस तरह के थॉट्स उसके दिमाग में नहीं आने चाहिए। वालेकुम सलाम बेटा। तुम जाओ, जाके दुआ को समझा दो क्या पढ़ना चाह रही है वो। हाँ जाओ, शाबाश, मैं बच्चों को देखती हूँ।
किस चीज का टेस्ट है तुम्हारा? ये देखो, मैथ का टेस्ट है मेरा। ये वाली इक्वेशन नहीं मुझे समझ आ रही। इतना तो मुझे समझ आ गया, ये वाला पार्ट नहीं समझ आ रहा। मैं समझा दूंगा, वैसे अंकल घर पर है? हाँ, क्यों, तुम्हें डर लग रहा है क्या? जी नहीं, मुझे किसी से डर नहीं लगता। क्या? वो पूछेंगे तो मैं कह दूंगा तुमने बुलाया, मैं खुद तो नहीं आया। नहीं पूछेंगे, वैसे भी वो इस कमरे में नहीं आते। क्यों? क्योंकि इस कमरे में मैं और सिला होते हैं, नफरत है उन्हें हमसे। अच्छा फजूल बातों में टाइम जाया ना करो, मैं तुम्हें सवाल समझाता हूँ। देखो स्क्वायर, आज क्या खाना नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, बस थोड़ी सी देर और है, मुझे यकीन है कि फिर ताजा चपाती डाल दूंगी मैं। हाँ माँ, बहुत भूख लग रही है, और याद से ना दुआ से चपाती मत डलवाना, किनारे करके रह जाते। नहीं नहीं, खुद चपाती डालूंगी। दादू दुआ आप ही क्या कर रही हैं? बेटा पढ़ रही है वो, कल उसका टेस्ट है, तंग मत करना उसे, पढ़ने दो। माँ खाना लगाओ, मैं मुआ दो। उसका जवाब क्या बनता है? उसका 90 डिग्रीज। गुड, 60। शुक्र है, हो गया। हाँ अब मुझे पूरे मार्क्स चाहिए। देख लेना, मेरे पूरे मार्क्स ही आएंगे, वैसे भी मैं तो पूरे मार्क्स ही लाती हूँ, और अगर मेरे पूरे नंबर ना आए तो ये मार्कर है ना, इससे मेरे ऊपर मूंछे बना देना। पता है कैसे? इस तरह करके, ये यहाँ से आएगी और फिर यहाँ से, नहीं 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 नहीं, दूसरी वाली बनाना, वो जो क्या हो रहा है यार? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ क्या कर रहे हो यार? सईद, सईद, इसे मैंने बुलाया है, दुआ का कल टेस्ट है, इसकी तैयारी के लिए। यहाँ कोई टेस्ट वेस्ट की तैयारी नहीं हो रही थी अम्मा, खेल तमाशे हो रहे थे, खेल तमाशे। चलो बेटा तुम जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, भगा दो इसे, कसम खुदा का, ये कौन सी पढ़ाई है जो चोरों की तरफ बंद दरवाजे के दूसरी तरफ हो रही थी? ये वो पढ़ाई है सईद, जो खुले दरवाजे में तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। चलो बेटा आ जाओ अपने पास। अम्मा अम्मा, मेरी आंखों में धूल झोंकना छोड़ दो, ये लड़का मुझे एक आंख नहीं पाता है। तू मुझे ये बता दे सईद, तुझे भाता कौन है? शानी के सिवा। चलती रहना तुम मेरे बच्चे से, हाँ चलती रहना, देख लेना चल चल के मरोगी तुम दोनों बहने। काका खौफ कर सईद, कैसी बातें निकाल रहा है मुंह से। बस बेटा बस। तुमने तो कमाल कर दिया, क्लास में सबसे ज्यादा नंबर तुम्हारे ही आए हैं। हाँ मैंने मेहनत भी तो बहुत की थी फायजा। मुझे नहीं लगा था कि तुम टेस्ट दोगी, तुम्हारे बाबा ने तुम्हें तैयारी कराई होगी ना टेस्ट की? नहीं, बाबा नहीं मुझे पढ़ाते, उन्होंने नहीं तैयारी करवाई, मैंने खुद पढ़ा। इसे जरूर जलन नहीं होगी तुम्हारे टेस्ट की। कंग्रेचुलेशंस रूबी, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम्हारे भी बहुत अच्छे नंबर आए हैं, है ना? मुझे तुम्हारी कंग्रेचुलेशंस की जरूरत नहीं है, नकल करके लिए ना तुमने नंबर। नहीं रूबी, मैंने तो मेहनत की है। तुम तो दो दिन से स्कूल भी नहीं आई, कैसे कर ली तुमने तैयारी? झूठी मकाल लगी। तमीज से बात करो, तुम ज्यादा इसकी हिमायती मत बनो, तुम नहीं करवाई होगी नकल इससे। तुमसे बात करना भी फजूल है, चलो दुआ। मुझे भी शौक नहीं है तुम जैसों के मुंह लगने का, बताऊंगी मैं अपने बाबा को कि मेरा हक छीना गया था, निकाल दूंगी मैं तुम स्कूल से। तुमसे बात करने का वैसे भी कोई फायदा नहीं होने वाला, चलो। नहीं फायजा, ये गलत कह रही है, मैंने इसका हक नहीं मारा, मैंने मेहनत करके वो नंबर लिए है ना, तुम्हें तो पता है ना। मेहनत? तुमने नकल करके नंबर लिए, और मुझे आइंदा गलत मत कहना, क्लास की मॉनिटर हूँ मैं, ज्यादा तंग किया तो तुम्हारी इतनी शिकायतें लगाऊंगी कि तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा।
देखो शहजाद, कैसे हो शानी? शहजाद तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पता करना है मेरे मार्क्स कितने हैं। तुम्हारे मार्क्स? हाँ, अगर अच्छे आए तो उसका मतलब मेरा पढ़ाने का फायदा हो गया, और अगर नहीं मैं फेल हो गया। इसका मतलब कि अगर मैं फेल हो गई तो मुझे मेरी नहीं तुम्हारी बनेंगी। अच्छा बताओ ना कितने मार्क्स आए? फुल मार्क्स आए हैं मेरे। शुक्र है, तुमने तो डरा ही दिया था मुझे। शहजाद भाई आप मेरी चॉकलेट लाए ना। सॉरी शानी मैं भूल गया। जाए, मैं आपसे बात ही नहीं करता। शहजाद भाई आप इसे छोड़ें, ये तो ऐसा ही है भूखा, अगर आप इसको चीज देंगे तो ये आपसे बात करेगा, नहीं तो ऐसे मुंह खुला के खड़ा हो जाता है। नहीं तो तुम्हें क्या मसला है? चुप करो, तुम लोग सड़क पे हो, यहाँ थोड़ी ना लड़ने की जगह होती है। बुरा लगता है। और शहजाद मेरे अब्बा ने तुम्हें डांटा, तुमने ये बात हाला को तो नहीं बताई ना? नहीं मैंने उन्हें नहीं बताया। सॉरी शहजाद, वो मेरी वजह से तुम्हें डांट पड़ी, मेरी गलती है। तुम मत परेशान हो, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़। आप ही चले। शानी शानी रुक। रुको। एक बात बताओ, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है सईद भाई के बच्चों के आसपास घूमने के अलावा? मेरे को समझा नहीं अमजद भाई। समझे नहीं, दुआ से ना दूर रहा करो, पता है ना सईद भाई को बिल्कुल ही पसंद। इतला देने के लिए शुक्रिया, मुझे पहले से पता है। बड़े ही बेशर्म इंसान हो, डिटाई तो देखो, पता है फिर भी यहाँ पे आसपास घूमते हो। चलो जाओ यहाँ से, और आइंदा नजर नहीं आना। चलो चलो। मिलते हैं। अरे क्या हाल है तुम्हारा? क्या नाम था? कासिम, कैसे हो? बिल्कुल ठीक, आपके क्या हाल है अमजद भाई? मैं भी ठीक। यार एक बात तो बताओ, हाँ? कि तुम पूरा दिन यहाँ बैठ के खड़ते क्या हो? कुछ और काम नहीं है तुम्हारे पास? आपको क्या मसला हो गया मेरे यहाँ बैठने से? नहीं मुझे क्या मसला होगा, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा यहीं बैठे हुए देखा है। स्कूल जाते भी हो या नहीं? क्या अबू की तरह आज सवाल जो आप पूछे जा रहे हो? जब दिल करता है चला जाता हूँ भाई, और भी बहुत काम है मुझे। तेरे काम मुझे अच्छी तरह से पता है, हर पराए पड्डे में तुम्हारा नाम होता है। तुम्हारे लड़ाई के किस्से मैंने हर किसी से सुने हुए। और फिर भी कभी तुमने शाबाशी नहीं दी है। दूंगा, शाबाशी दूंगा, लेकिन जब मेरा कोई काम करके दिखाओगे। अच्छा बोलो क्या काम है आपको? शहजाद को जानते हो जो तुम्हारे स्कूल में पढ़ता है? शहजाद वो किताबी कीड़ा? हाँ वही। अपने मोहल्ले का पढ़ाकू लड़का? हाँ वही वही, बस उसी को समझाना है। वो तो बड़ा बीबा लड़का है, उसे क्या समझाना है? सईद भाई की लड़की है ना, उसको बहुत तंग करने लगा है वो। अब तू तो जानता है सईद भाई मेरा कितना ख्याल रखते हैं। मैं चाहूँ तो उन्हें खुद जाके बता दूँ, लेकिन अगर मैंने बता दिया तो वो शहजाद की हड्डियाँ तोड़ देंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जाके खुद समझाओ, अगर तू समझाएगा तो मेरा नाम भी नहीं आएगा और सईद भाई को भी पता नहीं चलेगा। समझा? माले यार, मैं तो शहजाद को बड़ा शरीफ समझता था, पर आप बेफिक्र रहो अमजद भाई, आपका काम हो जाएगा। अगर तूने ये काम कर दिया तो मेरी शाबाशी जरूर हासिल करेगा। देखते हैं। तुम साइकिल भी चला लेती हो फायजा? हाँ चला तो लेती हूँ, अब तुम्हें भी सिखाऊंगी। अच्छा तुम्हें लगता है मैं चला लूंगी? क्रेजी प्रैक्टिस तो लगेगी, लेकिन मुझे पक्का पता है कि तुम चला लोगे। तो अभी से शुरू करें? चलते हैं बाहर। हाँ चलो, आराम से आना। मैं निकालती हूँ, तुम बैठ चलो। 200 रुपए। भाईजान आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोल। वो लड़का है ना शहजाद, उस पर आप नजर रखें। क्यों, क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं है, वो क्या है ना, मैं डरने लगा,
हमारी दुआ बड़ी क्यों हो रही है? जो बात करनी है खुलकर कर। देखे ना भाईजान, आजकल के लड़के बहुत जल्दी जवान हो जाते हैं, और ये अपना शहजाद अगले साल से कॉलेज जाना शुरू हो जाएगा। इस उम्र में लड़कों को हर चीज की समझ होती है। तू पहेलियां बुझवाए जा रहा है अमजद, कुछ देखा है तूने? लो, मैं तो ये तमाशा रोज देखता हूँ। चुप हूँ आपके डर से। तू कुछ सुनेगा मुझसे अमजी, सुनेगा मुझसे। मैंने कभी तुझे गैर नहीं समझा है। भाईजान देखे मेरी बात, अगर आप उसको घर आने से रोकेंगे तो वो बाहर मिलने की कोशिश करेगा। देखिए हमारी दुआ बहुत मासूम और शरीफ है, किसी लापरवाही की वजह से कोई नुकसान ना उठाना पड़ जाए। समझ रहे ना आप मैं क्या कह रहा हूँ? वो कल चीनी आई थी ना, उसकी बोरी खोल लेता हूँ।